नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। इसी तरह कर रहे गुड़दार मनमानी, राशन धारकों को देते हैं एक यूनिट पर 4 किलो अनाज। न आते हैं बाज गुड़दार घर तौली से, कैसे आएंगे देश में लाएंगे सुधार। मामला उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के विकास खंड मेहीपुरा ग्राम पंचायत बालापुर अड़गड़वा गुड़दार धन देही की मनमानी और घर तौली चरम सीमा पर है। राशन धारकों को 5 की जगह पर देते हैं 4 किलो अनाज। अंदोदे कार्ड पर 35 की जगह पर देते हैं 32 किलो 33 किलो। इस तरह रूल नियम गुड़दार बनाकर रखते हैं गुड़दार के। राशन धारकों की काफी परेशानी होती है। मीडिया टीम जब गुड़दार से जानकारी लेनी चाहे तो वो पर गुड़दार की दुकान बंद मिली, फोन उठाना मुनासिब नहीं समझे। गुड़दार जब वितरण अभी 86% हुआ है। राशन धारकों का कहना है कि गुड़दार अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं। कार्ड धारकों को राशन कम के बारे में जब गुड़दार से कहा तो गुड़दार बोलते हैं कि आगे से इतना ही आता है। अब देखना है कि जिम्मेदार अधिकारी इस गुड़दार के मनमानी पर उचित कार्रवाई करते हैं या इनका बढ़ावा देते हैं। अहमद हुसैन की खास रिपोर्ट। धनदेई, आपको गल्ला कितना मिलता है? 4 किलो मिलता है। आपके पास यूनिट कितने हैं? 3 यूनिट। आपको गल्ला कितना मिलता है? 12 किलो। 12 किलो। इसके विषय में आपने कोटेदार से कुछ कहा? कहा, वो 4 किलो दे रहे हैं, 4 किलो बोला देने को, 4 किलो मिला। 4 किलो देते हैं। कहा कि 4 किलो क्यों दे रहे हैं, इसके विषय में आपने कहा कोटेदार से? इसके विषय में बोला कि 4 किलो आधा किलो कट जाता है, वो कम रहती बोरी, इसीलिए और आधा किलो सहारनपुर हो गया, हमको 4 किलो मिलता है, 4 किलो मिलेगा। आगे से 4 किलो देते हैं? अब आगे से तो 5 किलो आता है यूनिट पर। फिर आपको 4 किलो क्यों देते हैं? तो आपका लड़ाई झगड़ा थोड़ा किया जाए तो आप जो मुच्छा होती है वो देता है कूड़ेदार। ठीक, क्या नाम है चाचा आपका? रामचेले। रामचेले कौन सा गांव है? बालापुर। कूड़ेदार आपके कौन है? धनदेई। धनदेई, आपके पास कितने यूनिट है? 5। आपको गल्ला कितना मिलता है? एक आंधी कट गया, 16 किलो मिलते। 16 किलो मिलता है। इसके विषय में कूड़ेदार से आपने कुछ कहा? नहीं। क्या नाम है आपका भाई साहब? विनोद। विनोद कौन सा गांव है? ये बताइए कूटेदार आपके कौन है? धनदेई। आपके पास कितने यूनिट है? 3। आपको गल्ला कितना मिलता है? 12 किलो। यानी एक यूनिट पे कितना मिलता है? 4 किलो। आपने इसके विषय में कूटेदार से कुछ कहा? तो फिर क्या बोले? बोला आगे से आता। 4 किलो आगे से इतना आता। क्या नाम है आपका भाई साहब? सुंदरलाल। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? बालापुर। कूटेदार आपके कौन है? धंधे। ब्लॉक कौन है? मेहीपुरवा ब्लॉक है। आपके पास कितने यूनिट है? 3। आपको गल्ला कितना मिलता है? 12 किलो। एक यूनिट पर कितना दिया जा रहा है? 4 किलो। एक यूनिट पर 4 किलो दिया जा रहा है। इसके विषय में कोटेदार से आपने कुछ कहा? कहा जो कहा था आगे दे रहे तो वही देंगे आपको। अच्छा, ये यानी एक यूनिट पर उनको 4 किलो आगे से मिलता है? 5 किलो मिलता है तो 4 किलो देता है। 1 किलो आपको कम प्रति यूनिट, जो यानी प्रति यूनिट पे 1 किलो आपको कम देते हैं? कम देते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? किरण। कौन सा गांव है ये? बालापुर। कोटेदार कौन है? लच्छीराम। आपको गल्ला 1 यूनिट पे कितना दिया जाता है? 4 किलो। आपके पास यूनिट कितने हैं? 4। कितना मिलता है गल्ला आपको? 16 किलो तो बताई थी। 16 किलो आपको देते हैं। इसके विषय में कोटेदार से आपने कहा कुछ? अब कहा ना जाते तो कब ऐसा? तो क्या कह रहे हैं कोटेदार? क्या कह रहे हैं? कहते कि हम अत्ता आगे से पाई थे। अच्छा, 4 किलो आगे से उनको मिलता है। ठीक चाची। चाची आपका सिमरता। आपके पास यूनिट कितने हैं? 4। आपको गल्ला कितना मिला है? अब यू ना है भैया, हम 4 किलो। कितना मिला है आपको? 16 किलो है। 4 ना 4 यूनिट है और 16 किलो गल्ला आपके मिला है। आपने कोटेदार से इसके बारे में कहा? कोई ना कहा। यानी आपको 1 यूनिट पे 4 किलो देते हैं कोटेदार साहब। क्या नाम है कोटेदार का? लच्छीराम। लच्छीराम कौन सा ग्राम पंचायत है, कौन सा गांव है? आपको जानना है।